नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज 27 में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में उतरा दरभंगा एनएसयूआई। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, डीएमसीएच सहित बिहार के तमाम जूनियर डॉक्टर्स अपने हक व अधिकार की मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसका दरभंगा एनएसयूआई पूर्ण रूप से समर्थन करती है। हमारी मांगे जायज है, जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे, हमारी मांगे जायज है। दरभंगा एनएसयूआई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मांग करती है कि जूनियर डॉक्टर्स की मांग सुनी जाए। सरकार को इस पर ध्यान देते हुए 3 वर्ष में भत्ता बढ़ाने का जो वचन दिए थे उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं युवा नेता दिलखुश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में गूंगी बहरी सरकार है, इसलिए बिहार में बहार है फिर नीतीश कुमार है। जूनियर डॉक्टर को समान काम समान वेतन देना पड़ेगा, नहीं तो दरभंगा एनएसयूआई डीएमसीएच से लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक अनवरत प्रदर्शन व धरना जारी रहेगा। देखिए, आज दरभंगा डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज सहित पूरे बिहार के तमाम जूनियर डॉक्टर्स अपने हक व अधिकार के मांगों को लेकर के प्रदर्शन पे है, कार्य को बहिष्कार किए हैं। इनका मांग है कि जो पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर्स हैं सभी का जो वेतन होता है वो समान होना चाहिए, और जो जो एजीएमएस में है उनको 80,000 1,00,000 है, और जो दरभंगा मेडिकल में है उनको 40,000 45,000। ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि गवर्नमेंट ने इन लोगों से वायदा किया था कि मैं आप बता दें 1/1/17 से टीम में संशोधन होना है और उनको वेतन में जो है तो वृद्धि किया जाएगा। फिर भी पूरा कोरोना काल से लेकर कब तक लगातार अपने कर्म के माध्यम से ईमानदारी और निष्ठावान से काम पे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स लोगों के साथ भेदभाव के वजह से आज अनुपस्थित है अपने कार्य से। इसको लेकर के दरभंगा एनएसयूआई पूर्ण जूनियर डॉक्टर्स को समर्थन करती है और बिहार सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री से और प्रधान सचिव से मांग करते हैं कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स को जो मांग है वो 100% जायज है, उनके मांगों को निश्चित तौर पे सुनना चाहिए और जूनियर डॉक्टर्स के जितने भी सुप्रीमो हैं उनके साथ एक अच्छा सकारात्मक वार्ता कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर नहीं करती है तो पूरे जूनियर डॉक्टर के साथ दरभंगा एनएसयूआई ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम टीमों के साथ पूरे सड़क पर से लेकर के राजभवन तक हम लोग जो है सब प्रदर्शन करेंगे, और जब तक जूनियर डॉक्टर्स की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अनवरत अनशन और प्रदर्शन जारी रहेगा। खबरों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमबी न्यूज़ 27। धन्यवाद।